हेलो थर्ड ईयर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, उसके बाद आपका यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगा। इज़ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी इज़ जैसे लेट मी गिव एग्जांपल बिफोर स्टडिंग द स्टेटमेंट्स। पायलट स्टडी जैसे हमारे कॉलेज में मान लो कुछ एग्ज़ाम होता है, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम होता है, मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने से पहले आप लोग का एग्ज़ाम जो हम लोग लेते हैं, दैट मीड टर्म एंड PU, दिस इज़ लाइक पायलट स्टडी ओनली, ठीक है। और या फिर एग्ज़ाम्पल दो, जैसे मेन फंक्शन होता है, कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला होता है, जैसे लैम्प लाइटिंग होने वाली रहती है, इंडक्शन होने वाला रहता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं, राइट। तो पूरे इवेंट का एक ट्रायल होता है। हम आप लोग को याद होगा शायद कि जैसे हम लोग शुरू 11 बजे से हमारा इवेंट शुरू होता है, दिया बत्ती करके, मतलब लैम्प लाइटिंग करके हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एंकर भी वहाँ पे होता है। तो एवरीथिंग लाइक जो फाइनल फंक्शन में होने वाला है, सेम टू सेम हम वैसे ही करते हैं, दैट वी कॉल द ट्रायल, ठीक है। मतलब एक ट्रायल करते हैं 2 डेज बिफोर। तो पायलट स्टडीज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट, कि हम मेन स्टडी करने से पहले, मेन रिसर्च स्टडी करने से पहले एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं, बट सारे स्टेप्स वही होते हैं, सारे प्रोसीजर्स वही होते हैं जो हम मेन स्टडी में करने वाले होते हैं, और उसी प्रोसीजर्स को हम पायलट स्टडी में छोटे रूप में करते हैं। जैसे हम पहले स्टडी हम 100 लोग में हम स्टडी करने वाले हैं, तो अभी पायलट स्टडी में हम केवल 10 लोग को लेके स्टडी करेंगे। तो पायलट स्टडी हमेशा जितना पॉपुलेशन होता है उस जैसे आपका 100 पॉपुलेशन है, तो उसमें से आप पायलट कितने लोगे, 10। अगर आपके 50 सैंपल है, सैंपल साइज है, तो आप अभी इस पायलट में कितने लोगे, 5, मतलब 1:2 का रेशियो रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पायलट स्टडी। तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा दी व्हाट इज़ पायलट स्टडी। सी नाउ सी दी डेफिनेशन, स्मॉल स्केल वर्जन और ट्रायल्स। सी मैंने बोला था ना ट्रायल, स्मॉल स्केल वर्जन और ट्रायल डन इन प्रिपरेशन फॉर दी मेजर स्टडी। किसी भी मेजर स्टडी के प्रिपरेशन के लिए हम एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं, या फिर एक स्मॉल स्केल वर्जन लेते हैं, मतलब छोटा सा छोटे रूप में कुछ करते हैं, दैट वी कॉल दी पायलट स्टडी। ओविएटिंग पायलट स्टडी ऑन दी, और भी आपकी बुक्स में, शर्मा की बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस हैं। अगर आपको ये 2 डेफिनेशंस नहीं क्लियर हो रहे हैं, बस आप कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वॉट आई एम गोइंग टू टीच यू, मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड पायलट मीन्स। अच्छा, वो ट्रायल बिफोर मेन स्टडी, आप इतना तो समझ लो कि क्या मीनिंग होता है पायलट स्टडी का। उसके बाद जैसे ही आपको बुक्स मिलेगी, शर्मा की बुक, आप और इजी आप उसको समझ सकते हो, और आप अपना डेफिनेशन लिख लेना फिर उसके बाद, ठीक है। अभी जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें से समझ लो। सो ओविएटिंग पायलट स्टडी ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज कुड बी रिस्की थ्रू दिस स्टडी हैज़ बीन साइंटिफिकली प्लान ओइंग टू अनफोर्सिन डिफ़िकल्टीज। सी पायलट स्टडी हम क्यों करते हैं, बिकॉज जैसे अब मैं फिर वही पूछूंगी, इंडक्शन से पहले आप ट्रायल क्यों करते हैं, सो दैट आपका जो फंक्शन है, आपका जो इवेंट है, और भी बेहतरीन हो सके, और भी अच्छा हो सके, और कुछ कमी हो रही है या कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो आपको ट्रायल में पता चल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं, बट मैं डील करूँगी उसको पर्पसेस और इम्पॉर्टेंस में। तो ये 3 लाइन आपको यही बोल रहा है कि अनफॉर्सिन डिफ़िकल्टीज जो होती है, हम जो नहीं देख पा रहे हैं ऐसे बिना ट्रायल के, वो हमको ट्रायल करने से पता चल जाता है। तो इसीलिए पायलट स्टडी किया जाता है, एंड पायलट स्टडी इज़ दैट लाइक ओनली, ठीक है। नाउ द रीज़न फॉर पायलट स्टडी मीन्स यू कैन से द पर्पसेस ऑफ पायलट स्टडी। नोट्स रेडी रख लेना बेटा आप लोग, फिर से मैं बोलूँगी, मुझे एक एक चीज़ का नोट्स चाहिए, जितना मैंने आपको फोकस करके पढ़ाया है, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, पायलट स्टडी, ये सब के शॉर्ट नोट्स आते हैं। रिसर्च का जो सब्जेक्ट है इज़ वेरी शॉर्ट, और उसमें से उसी में से क्वेश्चन, मैं आई एम वेरी मच डैम श्योर
कि आपको पायलट स्टडी, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और दैट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, भले उसमें से 2 नहीं आएंगे बट 3 इसमें से ज़रूर आएंगे। इसलिए रीड एवरी टॉपिक विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और इस साल के क्वेश्चन पेपर मैंने ही बनाए थे, तो आप लोग ये भी क्लियर रहना कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग का बना सकता है। तो बी रेडी, मैं जो बोल रही हूँ वो एटलीस्ट पढ़ो, फिर एग्ज़ाम टाइम के नहीं बोलूँगी कि मैं पेपर सेट क्यों, ये सेट किया, अभी बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, ये ज़रूर आते हैं और आने वाले क्वेश्चन ये हैं। सी ना, फर्स्ट इज करेंट रिसर्च क्लाइमेट्स डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम रिसर्चर। सी, अभी जो करंट सिनेरियो है रिसर्चर का, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया था, आज मैं आप लोग को क्वेश्चन आया सेंड कर दे रही हूँ बिफोर द क्लास। तो अब वट एवर रिसर्च आई एम डूइंग, जैसे लॉकडाउन पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो आई विल बी ओनली द रिस्पॉन्सिबल वन फॉर दैट लॉकडाउन पीरियड रिसर्च, ठीक है। उस रिसर्च के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगी, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करने के लिए मैं पहले ट्रायल लूँगी, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में रिसर्चर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, हर चीज़ के लिए वही जवाबदार रहता है, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, इसलिए ये रिसर्चर की अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए करंट रिसर्च में बहुत डिमांड है पायलट स्टडी की। अगर हम पायलट स्टडी कर लेते तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज है वो पता चल जाएगी, तो हम बीइंग ए रिसर्चर हम बेस्ट करेंगे अपने मेन स्टडी, अपने रिसर्च में, ठीक है। इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस फॉर कन्वीनियंस फंडिंग बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स, फंडिंग बॉडीज बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स ले लेके काम करते हैं। अब वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को सीधे अगर स्टार्ट करेंगे तो डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, वो सीधा फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को। उससे जब पायलट स्टडी करके अगर वो मेन प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है। नेक्स्ट इज टू नो इन एडवांस लॉन्सेस, शॉर्ट कमिंग्स और ग्रे एरियाज इन रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये पायलट स्टडी करने से हमको पहले से ही एडवांस में हमको पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या ग्रे एरिया है, कहाँ पर शॉर्टकमिंग्स आ रहे हैं, कहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, वो हम इजीली पहले से ही पता कर लेते हैं। मेन स्टडी से पहले ही हमें पायलट स्टडी में पता चल जाता है इन एडवांस कि ये प्रॉब्लम्स हमको अपनी स्टडी में आने वाले हैं। जैसे फंक्शन में हमें पता चल जाता है कि अरे यार एंकरिंग ख़राब हो रहा है, अगर हम ट्रायल करते हैं तो अरे यार ये वाला डांस फॉर्म मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम पायलट स्टडी करते हैं ताकि बिफोर ही हमको कुछ शॉर्टकमिंग्स है वो पता चल जाए। आई होप ये एग्जांपल और ये कंटेंट आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट इज टू नो वेदर प्रपोज मेथड्स आर अप्रोप्रिएट। डेफिनेटली हम जितने भी मेथड्स यूज़ करते हैं, आप लोगों ने डिज़ाइन पढ़ लिया होगा, रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा है आपने, कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी में, कौन से सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं आपने, जो जो मेथड्स यूज़ किए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं आपके रिसर्च के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप उसको इमिडिएटली चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू नो दी वेदर प्रपोज इंस्ट्रूमेंट्स आर अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट। डेफिनेटली आपको पायलट स्टडी में ही पता चल जाए, क्योंकि पायलट स्टडी में हम वो सारे स्टेप्स रखेंगे जो मेन स्टडी में करेंगे, तो वो सारे स्टेप्स क्लियर होंगे जो हम मेन स्टडी में करने वाले हैं। तो आपको अगर क्वेश्चनार में आपके इंस्ट्रूमेंट्स आप जो यूज़ कर रहे हो, टूल्स जो यूज़ कर रहे हो, उसमें वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है तो आप अपने मेन स्टडी में उसको चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट योर इंस्ट्रूमेंट्स, इवैल्यूएट योर टूल्स कि ये अप्रोप्रिएट एडिक्वेट है कि नहीं मेरे रिसर्च के लिए, ऐसा चांस और बहुत कम मिलता है। इसलिए पायलट स्टडी इज़ द बेस्ट वन टू अंडरस्टैंड एनी शॉर्टकमिंग्स और एनी अप्रोप्रिएटनेस, इनअप्रोप्रिएटनेस। ओके, नेक्स्ट इज टू फाइंड पोटेंशियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन एग्जीक्यूशन। अब आपको प्रैक्टिकली बोलने में तो बहुत आसान होता है, जब हम एक्चुअली उस रिसर्च को करते हैं तो जैसे हम प्लान कर ली ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब उसको करके देखते हैं, जैसे आप लोग
का फंक्शन का फिर से एग्जांपल दूंगी, बोलते हो कि मारा हम इसके इस डांस के बाद हम तुरंत वो ले आएंगे, ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे, तो दैट इज़ इन वर्बल फॉर्म इट इज़ वेरी इजी कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाए, बट इन प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं करने के लिए तो इट फेस वेरियस डिफ़िकल्टीज, ठीक है। तो वही जब हम एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वही प्रॉब्लम्स को हम पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वी डू दी पायलट स्टडी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ टू जज लोकल पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स दैट मे अफेक्ट द रिसर्च प्रोसेस। अब जैसे लोकल पॉलिटिक्स प्रॉब्लम मीन्स जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, वी आर डूइंग रिसर्च इन इंदौर एरिया, इंदौर जोन, इन राजेंद्र नगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब राजेंद्र नगर में हम अब कर रहे हैं, अब पायलट स्टडी भी वही प्रोसीजर से करेंगे जो मेन स्टडी। अब पायलट स्टडी के लिए हम गए, अब यहाँ के लोकल अथॉरिटीज लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि नो वाई यू आर डूइंग दिस रिसर्च इन दिस पॉपुलेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही। अगर अब ये प्रॉब्लम को पायलट स्टडी में आई है, अब आप सोचिए, आप मेन स्टडी करने के लिए जाते, इस पूरी तैयारी हो गई है आपकी, अब आप सैम्पल सिलेक्शन करने के लिए जाते और आपको इस टाइप के अथॉरिटीज आपको इंटरप्ट करते, तो आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती ना। बेटर वो आपको पायलट स्टडी में ही प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको चेंज करके, कन्विंस करके आप मेन स्टडी के लिए उनको रेडी करोगे। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिशियल ऑफ दी पायलट स्टडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी रीजंस फॉर पायलट स्टडी और यू वी कैन से दी पर्पसेस ऑफ पायलट स्टडी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पायलट स्टडी। सी फर्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल। क्या स्टडी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप सब अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आई होप कि रिसर्च के सारे यूनिट्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, और ये फिफ्थ यूनिट है, उसके बाद आपका एनालिसिस यूनिट है सिक्स में, फिर आपका एक कम्युनिकेशन वाला यूनिट आएगा। मतलब अभी तक आपको यू आर कम्प्लीटेड एटलीस्ट 80% आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब ये बताना चाह रही हूँ, आपके जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च आप पढ़ते हैं, देर आर मोर देन 12 मोर देन 13 स्टेप्स आर देयर ऑफ रिसर्च। किस टीचर ने पढ़ाया वो रिमाइंड कर लो आप, और अगर आप लोग को रिसर्च के स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को फिर से बोलो किसी टीचर को अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो आपको रिसर्च के स्टेप्स पढ़ाए। बिकॉज बेटा रिसर्च के स्टेप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको रिसर्च के स्टेप नहीं पता होंगे कि कब कहाँ कैसे करना है, फर्स्ट क्या करते हैं, यू विल बी द ब्लैंक, आप पूरा ब्लैंक रहोगे, आपको आएगा ही नहीं। जैसे अब मैं आप लोग को बोलती हूँ कि चलिए बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग कोई हेल्थ डे है मान लो, चलो वर्ल्ड कैंसर डे है, बेटा चलिए आप लोग वर्ल्ड कैंसर डे है एक ऑडिटोरियम एक प्रोग्राम इवेंट करो, नहीं टीचर्स डे पे, चलिए आप लोग जाइए टीचर्स डे पे एक इवेंट क्रिएट करो, इवेंट प्लान करो, हम लोग को इवेंट प्लान करके दिखाओ। आप सब जानते हैं बेटा स्टेप क्या होता है, पहले हम बजट बनाते हैं, प्रोग्राम शेड्यूल बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ डांस फॉर्म्स डालना, दीज आर द स्टेप्स ऑफ वन इवेंट ना, राइट। तो आप लोग को जब तक रिसर्च कैसे करना है उसके स्टेप्स नहीं पता होंगे, तब तक आप रिसर्च कैसे करोगे, कॉपी करोगे फिर तो आप लोग। इसलिए स्टेप्स का क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एक जेन्यून रिसर्चर बनना है, एक जेन्यून रिसर्च करना है, तो आपको रिसर्च के स्टेप्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि आप रिसर्च के स्टेप्स क्लियर रखो कि किस स्टेप में क्या करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड किसी टीचर ने बताया होगा रिव्यू लिटरेचर, थर्ड किसी टीचर ने बताया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो देयर आर द वेरियस स्टेप्स लाइक 12-30 स्टेप्स आर देयर, जिसमें एक यूनिट ऐसा है जिसमें आपको पूरे स्टेप्स पढ़ाए गए होंगे फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जिस टीचर ने पढ़ाया है उस टीचर से आप क्लियर कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में स्टेप्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट से लेके 12 या 14 तक के दो टाइप के रिसर्च स्टेप्स दिए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टेप, वो आप क्लियर रखना। सो आई एम डिस्ट्रैक्टिंग माई पॉइंट। सी फर्स्ट वी आर इन दी फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल। अगर हम पायलट स्टडी करते हैं तो हम जितने फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप तक की फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, अब मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक के जो भी, जैसे फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ये हो गया फर्स्ट टू लास्ट स्टेप ऑफ दी
रिसर्च, ठीक है। अब ये फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप तक के रिसर्च में हम जो जो चीज़ें यूज़ किए, मान लो सैम्पलिंग मेथड हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ किया, रिसर्च डिज़ाइन में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया, और मेथड्स में हमने क्वेश्चनार मेथड यूज़ किया, तो दीज आर दी मेथड्स हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये प्रोटोकॉल फिजिबल है कि नहीं है हमारे रिसर्च के लिए, सूटेबल है कि नहीं है हमारे रिसर्च के लिए, वो फिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू डू दी पायलट स्टडी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज टेस्ट स्टडी इंस्ट्रूमेंट। आपके जो भी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको टेस्ट करने में इजी हो जाएगा पायलट से। इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जो टूल्स आप यूज़ करते हैं, क्वेश्चनार, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और लाइक अ स्केल, जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपके इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने यूज़ किया ऑब्जर्वेशन, तो ये सब के टेस्ट आपको पहले ही हो जाते हैं मेन स्टडी के पहले, तो आप अपना बेटर आउटकम दे पाओगे मेन स्टडी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चनार फॉर्मेट इज़ इनकम्प्रेशिएबल। अगर आपको क्वेश्चनार मेथड जो लगता है कि इनकम्प्रेशिएबल है, तो सॉरी इज कम्प्रिहेंसीएबल, तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो, उस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा स्टेप्स यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मेन पायलट स्टडी। नेक्स्ट इज टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा कलेक्शन यूजिंग सिलेक्टेड इंटरव्यू टेक्निक्स। अगर आप मेथड डेटा ऑफ कलेक्शन के मेथड्स चूज़ किए हो और आप इस जैसे आपने इंटरव्यू मेथड से अपने डेटा सिलेक्ट किया है और आपको अब लग रहा है कि अरे यार अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, हमारे सैम्पल्स बहुत ज़्यादा है और इंटरव्यू टेक्निक से बहुत टाइम लगेगा, अब आपको पायलट स्टडी में वो क्लियर हो जाएगा, तो अब मेन स्टडी में क्या करोगे, अपने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर चेंज करोगे, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड दी टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अप्रोप्रिएटनेस आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेस्ट द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। नाउ आप डेटा कलेक्शन, दिस वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्शन का प्रोसेस, अब आप अभी तक डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे थे, रेटिंग स्केल बनाते थे, ऐसे ऐसे आप पेशेंट के बिहेवियर, पेशेंट के स्ट्रेस लेवल, आप इस तरीके से रेटिंग स्केल क्वेश्चनार फॉर्म में बना के दे देते थे। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। जैसे मैं अभी आज आप लोग को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो दिस इज़ माई स्टेप। तो इस प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, उसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ ईजिली फॉर दी पायलट स्टडी। नेक्स्ट इज टेस्ट डेटा एंट्री, कोडिंग ऑफ आइटम्स, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अगर हमको डेटा एंट्री में, डेटा कोडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम इसके थ्रू, पायलट स्टडी के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पायलट स्टडी।